आज सबसे पहले जो है हमें रीड करना है प्रश्न और उत्तर, यानी कि आज या लेशन का आखिरी दिन, अध्याय 6 जनन का आखिरी दिन रहेगा। कल जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर, और प्रश्न और उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल क्वेश्चन को जो है आप एक बार देख लीजिएगा और अच्छे ढंग से जो है स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से जो है याद आपको कर लेनी है। याद करिएगा तभी जाके जो है आप एग्जाम में लिख पाइएगा, याद नहीं करिएगा तो एग्जाम में जो है आप जाकर नहीं लिखिएगा, और बाद में मुझे मत बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया मैंने अच्छा नहीं किया। वो गलती जो है आपकी ही रहेगी, इसकी जिम्मेवारी जो है आपको है। तो आप जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करके एग्जाम में जाइएगा एग्जाम देने के लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ रखा गया है कि जनन और स्वास्थ्य। देखिए जनन और स्वास्थ्य क्या होता है, इस चीज को बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि जनन के लिए स्वास्थ्य होना क्या जरूरी है। आप मुझे बताइए कि क्या जनन के लिए स्वास्थ्य होना जरूरी है? स्वस्थ होना जरूरी है, यस या नो? एकदम जरूरी है कि अगर, हाँ अगर जनन आप करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ होना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपके शरीर में स्वस्थ आप नहीं है, आपके अंदर विकार उत्पन्न है, तो आप जो है जनन के पीछे जो है नहीं भाग पाइए। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य अच्छे मन में, अच्छे स्वास्थ्य अच्छे मन में अच्छा सोच उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह चीज आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि जनन एवं स्वास्थ्य के लिए जो है स्वास्थ्य जरूरी है। क्यों? क्योंकि जनन और स्वास्थ्य का तात्पर्य उन स्वस्थ आदतों और व्यवहारों से है जिनका सीधा प्रभाव मानव के व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अस्वास्थ्यकर आदतों के लिंग वाले साथी को नहीं बल्कि उत्पन्न संतानों को भी जो है संक्रमित कर देती है। यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं तो आपके होने वाले बच्चे भी जो है ना स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ जी भेज दीजिए। तो जरूरी है कि पहले आप स्वस्थ रहें, उसके बाद जो है आप जनन क्रिया करिए, और जनन क्रिया करने के बाद जो है ना, जनन क्रिया करने के बाद जो बच्चा आपके इस धरती पे आएगा तो वह भी जो है क्या होगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो संक्रमित से बचना है तो आप अपने शरीर पे विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा यहाँ टॉपिक दिया गया है कि लैंगिक जनन संचरित रोग कौन कौन से जो है होते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि लैंगिक जनन संचरित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे यौन संबंध लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रमण रोग को लैंगिक जनन कहते हैं। संचरित रोग इसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है उत्पन्न होती है। तो लैंगिक जनन से संचरित रोग का नाम आपको याद रखना है। तो लैंगिक जनन से संचरित होने वाले रोग जो है आपका सबसे पहले याद रखिएगा बैक्टीरिया, दूसरा जो है वायरस, तीसरा जो है परजीवी, चौथा है प्रोटोजोआ, पांचवा है ईस्ट। इसके द्वारा जो है लैंगिक जनन में संचरित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह जो रोग है यो यौन संबंधित रोग है, इस चीज को याद रखिए, यौन संबंधित यह रोगे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यहां दिया गया है गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस, यूरेथाइटिस तथा सर्विसाइटिस बैक्टीरिया से संक्रमित होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब यह मत पूछिएगा सर यह रोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये मत पूछिएगा। उसके बाद वायरस द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ है सर्विक्स कैंसर, हॉर्पिस यानी कैंसर मान लीजिए, या उसे नाम एक और दिया जाता है कैंसर, तो एक रोग हो गया। दूसरा आपके पास एड्स, ठीक है, हाँ, और उसके बाद तीसरा है एचआईवी।
या तीन रोग जो है वायरस के द्वारा फैलते हैं, क्योंकि कैंसर से आप समझ सकते हैं कैंसर, एड्स बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, एचआईवी बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यह जो है कैंसर, एड्स, एचआईवी, ये हमारे सिलेबस में भी है और इसके बारे में जो है हम अच्छे ढंग से जानते भी हैं, तो इसलिए यह बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको समझने में कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजुआ से जनित से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग जैसे स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजुआ के संक्रमण से होने वाले रोग टाइकोमीनसिस है। अब कितना तेज बोलवाइएगा सर जी, मैं इतना तेज बोल रहा हूं, बहुत तेज बोल रहा हूं, मेरी आवाज नीचे तक पहुंच जाती है मैं बोलता हूं तो। चलिए यहां देखेंगे, ओ किन बच्ची का आया था एक मैसेज, परिवार नियोजन किनका था, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, क्या नाम था, ऐशा थी क्या, ऐशा, हाँ ऐशा थी, ऐशा आप लोग आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी लक्की जोशी, अब भी थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें हैं। परिवार नियोजन के बारे में आपने पूछा था, तो परिवार नियोजन के बारे में जो है यही चीज जो है आप परिवार नियोजन में लिख सकते हैं, परिवार नियोजन में, परिवार नियोजन के जीव को जो क्वेश्चन था आपने क्या भेजा था मुझे, जो भी क्वेश्चन आपने भेजा था परिवार नियोजन का आपको ध्यान होगा, तो ये चीज जो है आप उसमें नोट कर दीजिएगा, तो आपका जो है आंसर परफेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही नोट कर दीजिएगा उसमें, तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन में यही चीज जिक्र किया गया था, आपने क्वेश्चन भेजा था तो ऐसा, ठीक है। हाँ कि निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक नहीं है, देखिए सही बात किसी ने बोला है ना, कि निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या को सीमित संकलन ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाती है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण करने के काबू जो है हमारे और आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे जो हैं कितने हो सकते हैं, हमारे बच्चे कितने होने चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो आप हम समझदार अगर हैं तो जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम आप ही समझदार नहीं रहेंगे तो जनसंख्या को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जितना आपका छोटा परिवार रहेगा उतना जो है आप सुखी और स्वस्थ रहिएगा, समझते हैं क्यों, कि अगर आपके पिताजी 500 रुपया पर डे कमाते हैं और आपके घर में आप हैं, आपकी मम्मी है और आपके पिताजी हैं, ये तीनों आदमी का खर्च जो है एक दिन में मानते हैं कि 200 रुपया पड़ रहा है, तो 300 रुपया जो है आपका क्या होगा, सेव होगा, समझ लीजिए। अगर आपके पिताजी 500 रुपये कमाते हैं और आपका परिवार जो है 5 है, तो 5 का एवरेज मान लीजिए कि आपके यहाँ 400 रुपया तो एकदम फिक्स है कि खत्म होना ही होना है। अब बताइए कि 100 रुपया अगर सेव पर डे करते हैं और इनकेस महीना में जो है 3,000 रुपये ही वह सेव कर पाए हैं, और महीना में यह फिक्स नहीं है कि आपके पांचों परिवार में किसी का तबियत खराब ना हो, अगर तबियत खराब होगा तो ये सेविंग जो भी आपने 3,000 रखा है ना बेटा, यह मिनटों में जो है खत्म हो जाएगा और आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 0, यानी आज कमाए आज खाए बिल्कुल बराबर, कल की चिंता हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए जितना मेरा पेमेंट है जितना हम कमाते हैं उस हिसाब से अगर हमारा परिवार रहेगा तो ज्यादातर क्या होगा, बेस्ट होगा, तो इसलिए परिवार नियोजन में यह चीज बहुत अहम रखता है कि हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही स्वस्थ और सुखी परिवार का जो है आधार है, परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना का आवश्यकता होती है जिसे हम परिवार नियोजन कहते हैं। अब परिवार नियोजन जो है हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक विधि,
अब इसकी प्राकृतिक विधि क्या होती है, तो यहां देखेंगे थोड़ा सा कि अगर कुछ दिनों तक संभोग मिथुन को रोक दिया जाए तो जाए तब उस दौरान स्त्री की योनि में स्पर्म का प्रवेश नहीं होगा, जिससे अंडारू निषेचन की संभावना नहीं रहेगी नहीं रहेगी। अतः संभोग के समय का असमंजन कर अंडारू निषेचन को रोका जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक विधि यही कहता है कि मिथुन का जो है हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कोंडम का प्रयोग करेंगे और गर्भ निरोधक गोलिया का जो है हम प्रयोग करेंगे, ताकि जो है सीडी यूज किया जा सकता है। हाँ जी, ताकि जो है हम हमारा परिवार जो है शॉर्ट रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। नहीं तो जनन की क्रिया हर इंसान के एक रुचिवर चीज है जो हर इंसान करना चाहता है। तो समझ लीजिए कि यह जो है प्रक्रिया को रोक लगाना है तो मैथुन का जो है प्रयोग करना है, कॉपर टी का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत? यस या नो? सभी बच्चों को यहां क्लियर है? यस या नो? यस, सभी को क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसी होनी चाहिए, बहुत सुंदर। अब जो है, हाँ, अब जो है हम लोग यांत्रिक विधियां समझेंगे। हमने प्राकृतिक विधियां समझा, अब जो है हम यांत्रिक विधियां समझेंगे। यांत्रिक विधियां क्या बोल रहा है, इस चीज को देखेंगे हम यहाँ पे कि इन दोनों पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें जिनमें अंडारू निषेचन कर नियंत्रण किए जा सकते हैं। पुरुष के लिए कोंडम का उपयोग सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। कोंडम भूत ही पतले रबर जैसे पदार्थों से बनी होती है, जिसे संभोग से पहले सिसन के ऊपर जो है आवरण की तरह डाल दिया जाता है। कोंडम का उपयोग नर और नारी एड्स जैसे जानलेवा रोगों से जो है क्या हो सकता है, इसे बचाया जा सकता है। तो जो पुरुष इसका इस्तेमाल करेगा, अत्यधिक महिलाओं के पास अगर वह जाता हो तो उससे एचआईवी से निदान पाया जा सकता है। स्त्रियों के लिए कॉपर टी तथा लूप जैसे परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध है। डायफ्राम की स्त्री के योनि में डालकर गर्भाशय की ग्रीवा या सिक्स में बैठाया दिया जाता है, जिससे वार फुलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कॉपर टी तथा लूप धातु या प्लास्टिक से बने होते हैं। इन्हें गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे गर्भाशय की दीवार में बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस निकलने लगता है। इसके कारण गर्भाशय की दीवार भ्रूण का आरोप नहीं हो पाता है, यानी आरोपण नहीं होता है। तो महिलाओं के लिए जो है कॉपर टी इस्तेमाल किया जा सकता है और पुरुषों के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो परिवार नियोजन पे जो है यानी जनसंख्या नियंत्रण पे जो है आप काबू बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। तो परिवार नियोजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के इधर उधर करके, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको याद रखने होंगे, जनसंख्या नियंत्रण, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण कैसे काबू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन, उससे पहले उसके बाद देखेंगे हम रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां क्या होती, जैसे के लिए हमने यांत्रिक विधियां समझा, प्राकृतिक विधियां समझा, उसी प्रकार जो है रासायनिक विधियां भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि रासायनिक विधि भी हम जान लेंगे तो ज्यादा फायदा हमारे लिए ही रहेगा। ठीक है, साइंस के पेपर तो इजी होते हैं लेकिन समझना तो जरूरी होता है ना। देखिए, रासायनिक विधि क्या होती है कि ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है।
जैसे रसायनों को निर्मित ऐसा कृमि स्त्री योनि में लगा दिया जाता है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है, इससे निषेचन नहीं हो पाता है। जैसे के लिए आप यहां दे सकते हैं सर्जिकल विधिया, यानी सर्जिकल विधिया मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन करके जो है इसे आप कंट्रोल किया जा सकता है रासायनिक विधिया के माध्यम से। तो रासायनिक विधिया को ही हम बोल सकते हैं सर्जिकल यानी ऑपरेशन, यानी इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है, पुरुष का नसबंदी जो है किया जा सकता है ऑपरेशन करके। शल्य क्रियाओं द्वारा शुक्रवाहिनियों को हटाकर धागों से बांध दिया जाता है जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु का प्रवाह स्त्रियों की योनि में नहीं हो पाता है। स्त्रियों में जो है होने वाले इस प्रकार के शल क्रियाएं स्त्री नसबंदी कहलाती है। शल्य क्रिया के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास में एक निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी कहते हैं। ठीक है, अन्य विकसित देशों में इस तरह हमारे देशों में भी एमटीपी की कानूनी मान्यता प्राप्त है कि कोई भी पुरुष जो है आप नसबंदी करा सकते हैं, या कोई भी महिला हो तो शल्य क्रियाओं द्वारा जो है अपन नसबंदी करा सकती है। वह बच्चा उत्पन्न नहीं करना कोई चाहता है यानी हस्बैंड वाइफ, तो आराम से जो है स्वतंत्र रूप से जो है नसबंदी करा सकता है। उसके लिए सरकार के ओर से पैसे भी प्रदान की जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका खर्च सरकार उठाती है कि जितना दिन वह बेड पे रहेंगे उतना खर्चा जो है सरकार उन्हें देती है। तो कितना फायदा है, सरकार का भी यह फायदा है कि आप नसबंदी कराएं तो जनसंख्या पर हम काबू पाएंगे और आपका खर्च भी सरकार उठाएगी, पूरे जीवन भर के लिए नहीं उठाएगी, जितने दिन जैसे मान लीजिए कि 7 दिन में जो है 7 डेज में जो है यह घाव सूख जाएगा तो 7 डेज के लिए जो है खर्चा आपको सरकार देगी खाने के लिए और दवा के लिए। तो बताइए कितना फायदा है। तो आप अगर जिस दिन पिता बन जाइएगा और 2 से 1 से ज्यादा बच्चा नहीं चाहते हैं तो आप नसबंदी जरूर करा लीजिएगा, गर्ल्स हो या बॉयज हो कोई भी हो आप नसबंदी करा लीजिएगा ताकि आपका परिवार जो है खुशमय रहे, अच्छे से रहे और खुशहाल जिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कतें ना हो, और अच्छे संस्कार दीजिएगा, अच्छे शिक्षा दीजिएगा ताकि वह जीवन में कुछ कर जाए। तो यह चीज जरूर सोच के चलिएगा। अब जितने भी मिलते हो, मुझे तो पता नहीं है लेकिन मिलता है, मुझे इतना पता है कि मिलता है, सरकार उन्हें पैसा मुहैया कराती है। ठीक है, तो मेरी बातों को याद रखिएगा और 1 या 2 से ज्यादा बच्चे जो है आप उत्पन्न मत करिएगा। अगर इससे ज्यादा अगर सपना देख रहे हैं तो 2 लाख रुपया मंथली कमाइएगा तो देखिएगा, अगर नहीं कमाइएगा तो मत देखिएगा सपना। हाँ, ये तो सोचिएगा, भोगिएगा बाद में आप, लेकिन मुझे मत बोलिएगा कि सर आपने नहीं बताया था। मैंने भाई अपना काम कर दिया है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया दिया है, अब आप सोचिए आपको क्या करना है। अरे 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 लकी भाई, ऐसा मत बोलिए कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा, करिए भाई। जीवन में एक संतान का होना जरूरी है, अगर संतान नहीं होंगे तो आपको समाज में जीने का हक भी नहीं होगा, और समाज में जितने भी आप पैसे कमा लीजिए, जितने भी पैसा कमा लीजिए, अगर एक बच्चा आपके पास नहीं है तो पैसा कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी, और समाज में आपको बहुत तरह के बातें सुनने भी पड़ेंगे, जो आप गुस्सा भी कभी कभी करना शुरू कर दीजिएगा। तो यह चीज मत सोचिए, कम से कम एक बच्चा भी जो है पैदा जरूर कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिए कि बच्चा ही नहीं पैदा करूंगा, करिए बच्चा पैदा, ऐसा बात थोड़ी ना है कि नहीं करिएगा, कम से कम एक बच्चा तो पैदा कर लीजिए अगर नहीं करने का सोच रहे हैं तो। चलिए एक छोटा सा ब्रेकआउट देते हैं, उसके बाद जो है फिर क्लास को आगे चलेंगे। सामाजिक जागरूकता के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग का प्रचार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टर या अन्य प्रचार के सखत माध्यम से के द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। समाचार पत्र हम सुनते हैं, समाचार पत्र देखते होंगे आपके यहाँ घर पे आता हो, पत्रिकाओं जो है हम पढ़ते होंगे, दूरदर्शन यानी टीवी के माध्यम से, पोस्टर या बैनर के माध्यम से। ठीक है, इससे समाज में परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया
प्रति मानव की जागरूकता बढ़ती है। यानी कि समाचार पत्र पे जो है आपका लगा दिया जाए परिवार नियोजन के रोक लगाने के लिए विधि, पत्रिकाओं के माध्यम से बता दिया जाता है, दूरदर्शन के माध्यम से बता दिया जाता है, पोस्टर के माध्यम से जो है प्रचार किया जा सकता है। जैसे के लिए यहां हम देख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम जनक जनन कहते हैं। जनन जीवों के मुख्य लक्षण हैं जिनके द्वारा जीव की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं क्या, जनन। तो आज जो है लेशन आपका इंड हो रहा है, यह लेशन जो है आपका आज पूर्णतः समाप्त होगा। नेक्स्ट डे जो है आपको न्यू चैप्टर जो है आपको पढ़ाए जाएंगी। आप लोग की क्लास कैसी लगी है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसी क्लास लगी, या मुझे कॉल करके जरूर बताएं कि कैसी क्लास लगी है। जी मीनाक्षी, गुड इवनिंग सर। मीनाक्षी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, कैसी क्लास लगी है आज की? एकदम मस्त। चलिए थैंक यू। चलिए विवेक बताइए कैसी क्लास लगी आज की। हेलो सर, क्लास कैसी लगी है आज की? हेलो, हाँ कैसी लगी क्लास? सुपर। चलिए थैंक यू। आज की क्लास ऑलमोस्ट बच्चों को सही लगी है, और फिर नेक्स्ट डे जो है आपको न्यू चैप्टर बताएंगे, और वो भी टॉपिक जो भी हम पढ़ाएंगे 100% जो है आपको समझ में आएगा और सुपर ही क्लास आएगी। तो चलते हैं फिर।